हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है एस्केल्मेंथीस पर। एस्केल्मेंथीस कहिए या अथवा कह दीजिए निमैट हेल्मेंथीस कह दीजिए, अथवा इसमें आप देख रहे हैं निमैटोडा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं गाइज। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। शुरू करने से पहले गाइज आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग इस सेशन को तेज़ी से शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए, फिर चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो गाइज सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि हम पॉइंट टू द पॉइंट लेकर के आते हैं आप सबके लिए, और अपने इस लेक्चर के माध्यम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम प्रोवाइड करना कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं एस्केल्मेंथीस के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एस्केल्मेंथीस अथवा निमैट हेल्मेंथीस गाइज, तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है कि आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म, इसे और किस नाम से जाना जाता है, राउंड वर्म इसे कहते हैं, राउंड वर्म। और ये राउंड वर्म किसके लिए यूज किया गया है, फॉर निमैटोडा, निमैटोडा क्लास। जैसे कौन सा इसमें शामिल है, स्कैरिस, स्कैरिस गाइस, ये राउंड वर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैगनबार एस्टेब्लिश्ड द फाइलम निमैट हेल्मेंथीस, गैगनबार ने फाइलम निमैट हेल्मेंथीस की स्थापना किया था, ठीक है। अब अगली खास बात यह है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल किए गए हैं, राउंड वर्म अथवा कह दीजिए थ्रेड वर्म, ठीक है, राउंड वर्म अथवा थ्रेड वर्म शामिल किए गए हैं। अब यहां पर देखिए अगली बात यह है, यहां राउंड वर्म और थ्रेड वर्म को ध्यान रखिएगा गाइज, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म। अगली बात यह है कि फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कहां पाए जाते हैं, या तो फ्रेश वाटर और अथवा सी वाटर, फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल ह्यूमस में, ठीक है, सॉइल ह्यूमस में, जहां रिच सॉइल होती है, अधिकता होती है सॉइल की गाइज, में एज अ पैरासाइट, और किस रूप में हो सकते हैं, पैरासाइट के रूप में भी हो सकते हैं, एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, और ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या को उत्पन्न करते हैं गाइज, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगली बात यह है कि सोज ट्यूब विद इन ट्यूब, ये क्या प्रदर्शित करते हैं गाइज, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रदर्शित करते हैं, सोज करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ठीक है, यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब का प्लान ये शो करते हैं। अगली बात ये है, यहां पर देखिए गाइस, बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है, और ये स्यूडो सीलोमेट होते हैं गाइस, स्यूडो सीलोमेट होते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लेकर के आप सबके लिए आते हैं गाइस, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी किसी प्रकार का अतिरिक्त, नो टाइम वेस्टिंग और नो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट जो आपको आवश्यक है, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए बिल्कुल, अगली बात यह है कि बॉडी वाल इसकी कैसी होती है, बॉडी वाल अथवा जर्म लेयर ये कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बॉडी वाल यहां पर कैसे देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलती है इसकी बॉडी वाल गाइज। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें तीन, क्यूटकिल हो गया, इपिडर्मिस हो गया और मसल लेयर हो गया, ठीक है, क्यूटकिल हो गया, इपिडर्मिस और मसल लेयर, ये आप देख रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है गाइस, कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगली बात यह है कि बॉडी कैविटी इसकी क्या कही जाती है, बॉडी कैविटी कॉल्ड स्यूडोसील, इसकी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं गाइस, स्यूडोसील होती है इसकी बॉडी कैविटी, कैसी होती है, स्यूडोसील, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्यूडोसील, ठीक है, इसी में स्यूडोसिलोमिक फ्लूड होता है, स्यूडोसिलोमिक फ्लूड होता है, ठीक है। अब इस और बात क्या है कि नो डिस्टिंक्ट हेड, इसमें अलग से हेड नहीं होता गाइज, इनमें जो है अलग से हेड नहीं होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट किसके साथ होता है, माउथ और एनस के साथ होता है, एक मुख भी और दूसरा एनस, एंड स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स, और एक स्पेशल प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, फेरिंग्स होती है। तो गाइज ये भी आप बात को ध्यान रखिए यहाँ पर। अगली बात यह है कि बोथ रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, इसमें जो है रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है गाइज, इसमें एब्सेंट होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अगली बात अब यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगली बात क्या है, इसमें देखिए जरा, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो अब यहाँ पर देखिए अगली बात यह है गाइज यहाँ पर कि एक्सक्रीशन विद हेल्प ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, इसमें एक्सक्रीशन उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड कैनाल्स, और कैनाल्स के द्वारा, और इसमें जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है गाइज वो एच शेप्ड होता है, ये क्वेश्चन बन चुका है टीजीटी पीजीटी में, एच शेप्ड गाइज, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा जो है स्कैरिस से ही क्वेश्चन बनते हैं।
अब अगली बात यह है कि नर्वस सिस्टम, इसमें देख लीजिए नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग होती है, सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग एंड सिक्स लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं। सिक्स यानी छह लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड और उसके साथ साथ क्या होता है, सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग होती है। तो इन दोनों पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पर वेल डेवलप होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्टली ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात कह दीजिए डायोसियस। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, लैंगिक द्विरूपता अर्थात एक मेल अलग और फीमेल अलग गाइस, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी द्विरूपता, यानी नर अलग और मादा अलग, दोनों के अलग अलग रूप होते हैं नर और मादा के, तो इसे क्या कहेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है गाइस, कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। और अगली बात क्या है गाइस, इसको भी देख लेते हैं, एग विथ काइटिनस सेल, इसमें एक जो है काइटिनस सेल के द्वारा होता है, एक काइटिनस सेल के साथ होता है। क्लीवेज कैसा होता है, यहाँ पर देख लीजिए गाइस, डिटरमाइन एंड स्पाइरल, कैसा होता है, डिटरमिनेट और स्पाइरल होता है यहाँ पर क्लीवेज। अगली बात यहाँ पर चलते हैं, बढ़ते हैं कि आगे भी अभी इसमें क्या है अगली खास बात। फाइलम स्केलमेंथीज इज डिवाइडेड इनटू फाइव क्लास, इसको कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, अब असली क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे गाइज, असली क्वेश्चन कहाँ से, यहीं से बनेंगे। यहाँ पर पांच क्लास में डिवाइड किया गया है स्केलमेंथीज को, देख लीजिए स्केलमेंथीज को पांच क्लास कौन है, पहला यहाँ देख लीजिए रोटीफेरा है, दूसरा कौन सा है गैस्ट्रोट्राइका है, गैस्ट्रोट्राइका, तीसरा कौन सा है गाइज, यहाँ पर किनोरैंका है, किनोरैंका है तीसरा, और चौथा कौन सा है, वो है निमेटोमॉर्फा चौथा क्लास, और पांचवा है निमेटोडा, पांचवा कौन सा है निमेटोडा। तो कितने क्लास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, पांच। तो गाइस जो रोटी फेरा होता है कॉमनली कॉल्ड व्हील एनिमल क्यूल, पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन मैंने शामिल किया था व्हील एनिमल क्यूल, तो गाइस ये कॉमनली कॉल्ड होते हैं, यानी कॉमनली इसे जाना जाता है व्हील एनिमल क्यूल के नाम से, किसे, रोटी फेरा को। इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस, फिलोडिना है, रोटेरिया है, और अब इसमें जो गैस्ट्राइका की बात करें, गैस्ट्रोट्राइका की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस, इसमें है लेपिडोडर्मिला, लेपिडोडर्मिला इसका एग्जाम्पल है, और काइनोरैंका का जो एग्जाम्पल है वो है इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स है, और निमेटोमार्फा का एग्जाम्पल क्या है, नेक्टोनीमा है, और निमेटोडा का को कॉमनली क्या कहा जाता है, राउंड वर्म, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राउंड वर्म इधर और इधर जो है व्हील एनिमल क्यूल गाइस, तो राउंड वर्म निमेटोड्स को समान रूप से कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, और वोचर एरिया है, और एंटेरोबियस है, और इसी में इनसाइलोस्टोमा है, इनसाइलोस्टोमा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं गाइस, ये सभी निमेटोड के तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइस, निमेटोड के ये, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगली खास बात क्या है इसमें उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ कुछ कॉमन नेम है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन नेम है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। तो इन कॉमन नेम को देखिए कैसे, जैसे उचेरेरिया बैंक्राफ्टी है गाइस, उचेरेरिया बैंक्राफ्टी से फाइलेरियल वर्म कहा जाता है, ठीक है। वाओ फैला, या ठीक है ऐसा आप कह दीजिए कि ऊंचा फैलो भाई। स्केरिस इसे कॉमन राउंड वर्म कहते हैं, स्केरिस को क्या कहते हैं, कॉमन राउंड, और इनसाइलोस्टोमा को कहते हैं हुक वर्म अथवा अमेरिकन मर्डर कहते हैं, लोवा लोवा को कहते हैं आई वर्म, और एंटीरोबियस को कहते हैं पिन वर्म अथवा सीट वर्म कहते हैं, ड्रैकन कुलस को क्या कहते हैं, गुइनिया वर्म कहते हैं, और ट्राइक्यूरिस को कहते हैं विप वर्म कहते हैं, और स्ट्रॉन्गाइलॉइड्स को कहते हैं थ्रेड वर्म। गाइस ये इसके नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। मैं आप बता दूँ कुछ इसमें से कैसे आप याद रखेंगे, एक तो अंकल को याद रख लीजिए, किसको याद कर लीजिए, एक अंकल और एक आंटी को, ठीक है, अंकल और आंटी इनको याद रखिएगा ज़रा। अंकल की जो है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अंकल की हुक याद रखिए, पैंट की जो जिप होती है अंकल के हुक याद रखिए, अंकल का पैंट की हुक, और आंटी की जो है मैं आपको बता दूं इसमें आंटी की पिन याद रखिए, आंटी की क्या याद रखिए, पिन, जो हेयर में नहीं लगाती आंटी जी, यहाँ पिन लगाती यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। तो आंटी ने अपनी पिन लिया, आंटी ने पिन से अंकल की हुक को जो है क्या किया, इन्होंने ठीक करना चाहा, आंटी अपनी पिन से अंकल की हुक को क्या कर रही हैं, वो राउंड वर्म कहाँ भाई,
ऐसे राउंड कर रही हैं, ऐसे इन हुक को कैसे कर रही है, ऐसे राउंड कर रहे हैं, ऐसे मतलब एस्केरिस राउंड मतलब राउंड वर्म, ठीक है, ऐसे राउंड कर रही हैं कि डॉक्टर गुइनिया की जो आई है वो लोवा लोवा हो गई। डॉक्टर डी आर डॉक्टर गुइनिया, डॉक्टर गुइनिया की जो आई है, आई कहां गया गाइस, आई है वो लोवा लोवा हो गई इसकी। डॉक्टर की जो आई है ड्रैगन कुलश, डॉक्टर की आई जो है कैसी हो गई गाइस, डॉक्टर गुइनिया, डॉक्टर गुइनिया यानी ड्रैगन कुलश किसको कहते हैं, ड्रैगन कुलश को क्या कहते हैं, गुइनिया वर्म। और आंखें लोवा लोवा हो गई, आंखें मतलब आई वर्म किसे कहते हैं, लोवा लोवा को कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप याद हो जाएगा। आंटी की पिन याद रखिए, आंटी अपनी पिन से अंकल की हुक को जो है ऐसे राउंड राउंड कर रही हैं कि डॉक्टर गुइनिया की आईज लोवा लोवा हो गई। आईज वर्म किसे कहते हैं, लोवा लोवा को कहते हैं, और डॉक्टर गुइनिया ड्रैगन कुलस को क्या कहते हैं, गुइनिया वर्म कहते हैं गाइस। ऐसे राउंड का मतलब एस्केरिस और राउंड का मतलब राउंड वर्म, और अंकल का मतलब देख लीजिए, अंकल का मतलब क्या है, एनसाइलोस्टोमा, और इसे कहते हैं हुक वर्म। अंकल का हुक्म हुक, अंकल एनसाइलोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं, और इंटीरोबियस अर्थात आंटी आंटी की पिन, इंटीरोबियस को क्या कहते हैं, पिन वर्म। तो गाइस ये आप ध्यान रखिएगा, ये इससे आपका जो है जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलते हैं आगे, चलते हैं इसमें कुछ है, देख लीजिए कुछ ऐसे फिगर भी हैं जो विचेर एरिया फाइलेरिया वर्म का, ये देख रहे हैं आप फिगर है, और ये बिल्कुल स्केरिस है, कॉमन राउंड वर्म है। इसमें मेल थोड़ा सा छोटा होता है किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। इनसाइलोस्टोमा जिसे क्या कहते हैं, हुक वर्म, वही अंकल वाला, अंकल की हुक, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलते हैं गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल जो है प्रैक्टिस सेशन को, प्रैक्टिस सेशन को हम लेकर चलने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस सेशन में, मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे उसका उत्तर पढ़ेंगे इंटरनेट सर्च करेंगे तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा, अब उसी में भटकते रहते, परेशान रहते। कुछ लोग जो है कमेंट करते हमारे पास बहुत ज़्यादा कि सर इसका क्या होगा, इसको प्रूफ बताइए। तो इसके लिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है गाइज कि आप लोगों के प्रश्न के लिए हम दिन भर 24 घंटे बैठे रहें, और आप जो भी फरमाइश कर दीजिए मैं आपकी फरमाइश करता रहूँ। वैसे भी आपको मैं बता दूँ, इतना जितना मैं आपको कंस्ट्रक्टेड एकदम बेहतरीन मटेरियल दे देता हूँ बना बनाया ना, कि कहीं पर ऐसा मटेरियल नहीं पाएंगे ना, इसके लिए जितने भी आप चार्जेस देने पड़ते हैं ना तो हालत खस्ता हो जाती है गाइस। तो इतना भी नहीं है, अगर आपको हां शंका लग रहा है कहीं पर किसी क्वेश्चन में तो अब मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिक बुक कोई हो, जो ऑथेंटिक बुक हो राइटर वाली, ठीक है, ऑथेंटिक राइटर की जो बुक है वहां से क्वेश्चन का आंसर अगर आपको सही मिल रहा है दूसरा मिला तो वहां फोटो खींच के मेरे पास भेजिए, फिर मैं उसका समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। बाकी इतना जो है ये नहीं कि जितने भी लोग हैं आप सभी लोग ऐसे आप प्रश्न भेजते रहे, मैं दिन भर यही करता रहूं भैया, ठीक है, और हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं इतना ही मैटर बनाइए ना तो दिमाग समझ में आ जाए। एक दिन पीडीएफ की लालसा बड़ी होती है, सर पीडीएफ भेज दीजिए पीडीएफ, आधे घंटे बैठ करके 20 मिनट बैठ करके ये नोट करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं, तो क्या आप तैयारी कर रहे हो यार, तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्या मतलब है, भागिए इधर उधर भटकिए, फिर वही जाइए किसी मार्केट में नोट्स खरीदिए लेकर के सजा करके रख दीजिए बैठा दीजिए। जब अपने हैंड राइटिंग में नोट बनाने की क्षमता नहीं है तो टीजीटी पीजीटी की करने की तैयारी करने की जो है बेकार व्यर्थ है सब गाइस, ठीक है। और इतने भी आप छोटे नहीं हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं मैंने बताया कि आप लोग पढ़ा रहे हैं टीचर हैं, और मैं आपको बता दूं आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता भी है ये भी मैं बता दूं, लेकिन आलस आलस टीचर के अंदर आलस बहुत ज़्यादा होता है गाइस। आज यही कारण है कि जो जितने सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय में अच्छे बच्चों को क्यों नहीं डाला जाता, कोई भी जो सिविल का पर्सन या कोई भी अधिकारी रैंक का अगर गांव में है या शहर में है कोई तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालता। ये टीचर हैं कि वो सरकारी टीचर हो गए तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम कुछ नहीं आता उनको, भैया परीक्षा फाइट करके गए हैं, परीक्षा एग्जाम दे करके मेहनत करके तब वहाँ पर नियुक्ति पाए हैं, इतना भी वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन नहीं बैठे बैठे आलस आ जाता है गाइस। तो आलस सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है मैं बता दूं गाइस, तो जिस दिन आलस आप निकाल देंगे उस दिन सफलता आपकी कदम चूमेगा गाइस, ठीक है। यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में क्यों सभी लोग डालते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मेहनत है, मेहनत कराते हैं, वहाँ टीचर की भी मेहनत होती है, दिन रात उनकी परीक्षा होती है, हर क्लास उनके लिए चैलेंज होता है, परीक्षा होता है, कहीं एक भी पॉइंट उसके लिए मिस्टेक हो गया तो बच्चे ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि गाइस अरे इनको तो कुछ आई नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा है, इस तरीके से ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उनके लिए हर एक पल जो है परीक्षा का होता है प्राइवेट सेक्टर में गाइस। तो ऐसा नहीं है, सरकारी भी उतने ही बेहतरीन है, उतने ही प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतरीन है। उसी तरीके से अगर आपको अच्छी जॉब पानी है, मेहनत करनी है गाइस, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छे जितनी अच्छी सफलता आपको चाहिए उतनी अच्छी आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, समझ रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि ऐसे मोबाइल चलाइए एक बटन सेंड करिए तुरंत कोई भागने लगे चारों तरफ आपके लिए, ठीक है। चलिए जो बातें मैं कहता हूँ एकदम फैक्ट कहता हूँ,
और खरी खोटी कहता हूँ अपनी भाषा में, ठीक है। कोई हमारे पास इधर उधर जाल फैलाने फेंकने का वो नहीं है सिस्टम। चलिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच लार्वल स्टेज इज नॉट फाउंड इन सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा में कौन से लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है मेरा सीडियम है और स्पोरोसिस्ट है, सर्केरिया है, रेडिया है, तो बताइए इसमें से कौन जो है सिस्टोसोमा में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैं बता दे रहा हूँ आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा एक बार, ठीक है। मैं आपको बता दूं मिस आरसी मल्होत्रा आपने पढ़ा था, वहां पर मेरा सीडियम, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया सभी पढ़े थे, तो वहां पर, यहां पर जो है रेडिया और मेटा सर्केरिया दोनों नहीं होते हैं सिस्टोसोमा में। तो यहां पर ऑप्शन कहां है भाई, रेडिया है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, सी नंबर, रेडिया, ठीक है। अगली दो नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिए, पढ़िए दो नंबर क्वेश्चन में, इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा के विकास में कह रहा है, इसे क्या कहते हैं ब्लड फ्लू, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज स्किप्ड, जो स्किप होती है नहीं होती है सिस्टोसोमा के डेवलपमेंट के स्टेज में, एक जो है इसमें से एक स्टेज स्किप होती है, कौन सी स्टेज है, कह रहा है सर्केरिया है कि मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, बात वही प्रश्न को घुमा करके यहाँ कह दिया गाइस, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वही रेडिया ही है, डी नंबर इसका सही जवाब है, कौन सा, डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलते तीन नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, तीन नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां तीन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ड्रैकनकुलस मेडियंसिस, ड्रैकनकुलस मेडियंसिस जिसे गुनिया वर्म कहते हैं, गुनिया वर्म ऑफ मैन, इज अ पैरासिटिक वर्म विच इनवेड्स, विच इनवेड्स, इनवेड्स मीन होता है हमला करना गाइस, हमला करना, तो ड्रैकनकुलस मेडियंसिस जो होता है यह एक परजीवी वर्म है जो हमला करता है, किस पे हमला करता है गाइस, यहां पर देख लीजिए किस पर करता है, कह रहा है सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू पर, लिम्फेटिक वेसल पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम। गाइस मैं आपको जो भी आंसर बताता हूँ ऑथेंटिक बुक का आंसर होता है, कहीं से भी अगर आपको कहीं से भी लगता है, तो मैंने बताया कि आप ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक राइटर वाली बुक का आप फोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो मैं आपको दिया हूँ उस पर भी आप सेंड करिए, तब पता चलेगा गाइस, ऐसे नहीं। इसका सही जवाब क्या है गाइस, ए नंबर इसका राइट आंसर है तीन का। चार नंबर में चलते हैं गाइस, चार नंबर में तो कह रहा है कि माइक्रोफाइलेरी रिफर्स टू, माइक्रोफाइलेरी संदर्भित करता है किसको, माइक्रोफाइलेरी किसे बोलते हैं भाई, कह रहा फीमेल वाउचेरिया बैंक्रैप्टी को, नहीं मेल वाउचेरिया बैंक्रैप्टी को, वाउचेरिया को नहीं, लिविंग एम्ब्रियो ऑफ वाउचेरिया बैंक्रैप्टी, कह रहा एम्ब्रियो सेट फ्री इन वाटर बाय फीमेल मॉस्किटो। तो गाइज इसका सही जवाब क्या है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग भी ढंग से देख लीजिएगा, जो राइट आंसर जो मिल रहा है वो मिला है लिविंग एम्ब्रियो ऑफ वाउचेरिया बैंक्रैप्टी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं अब पांच पर, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर पांच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहा है राउंड वर्म्स डिफर फ्रॉम ऑल फ्लैट वर्म इन हैविंग, कह रहे एक राउंड वर्म गोल कृमि जो है चपटे कृमियों से किसकी उपस्थिति में भिन्न है गाइस, किसकी उपस्थिति में भिन्न है, कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, कह रहा है सेगमेंटेड बॉडी, कह रहा है स्यूडोसील, कह रहा है मेटामॉर्फोसिस इन दियर लाइफ हिस्ट्री, कह रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस सी नंबर स्यूडोसील, ठीक है। स्यूडोसील ऑल राउंड वर्म डिफर फ्रॉम ऑल फ्लैट वर्म इन हैविंग स्यूडोसील, तो फाइव का क्या हो गया गाइस सी नंबर। सिक्स पर चलते हैं, सिक्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज ओनली सिंगल होस्ट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, देयर इज ओनली सिंगल होस्ट इन दियर लाइफ हिस्ट्री, ये क्वेश्चन बन चुका है, किसके जीवन चक्र में केवल एक पोषदी होता है, ठीक है, एक पोषदी होता है, कौन इसमें से, कह रहा है राउंड वर्म होता है, सिस्टोसोमा होता है, कह रहा है टेप वर्म होता है कि फैसियोला होता है। तो गाइस इसका सही जवाब क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो आप जानते हैं यह क्वेश्चन बन भी चुका है, तो है राउंड वर्म। राउंड वर्म को क्या कहते हैं गाइस, एस्कैरिस, एस्कैरिस इज द राउंड वर्म, इसका सही जवाब क्या है, राउंड वर्म इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सात नंबर का उसको कह देखते हैं। देखिए अब आज मैं बहुत, तो आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं गाइस, तो आज मैं आप के लिए इतना देखते हैं वर्क कितने लोग करते हैं, ठीक है। ये सात नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये जो सात नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है, वन ऑफ दीज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर, दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए विथ प्रूफ के साथ, देखते हैं कितने लोग विथ प्रूफ के साथ भेजते हैं। अगर आप बहुत देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है गाइस 9219085822, इसका सही जवाब लिख करके हमारे इस व्हाट्सएप पर करिए,
इसका देखते हैं कितने लोग अब इतना कार्य करते हैं, कितने लोग जो इतना कार्य करते हैं गाइस, मुंह से नहीं वो करने के लिए भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए गाइस। चलिए इसकी बात नहीं करूंगा, आपके लिए है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर यू ठीक है। अगला 8 नंबर का, वन ऑफ दीज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी इनमें से कौन जो है दूसरे से भिन्न है, इन चारों में से कौन भिन्न है गाइज, ऐसा कह रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए चारों में से कौन भिन्न है, ठीक है, कौन इसमें से भिन्न है बताइए। इसका सही जवाब क्या है सोच लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है स्केरिस है, कह रहा है इंसाइलोस्टोमा है, इंटीरोबियस है, इनोप्लस है। तो इसका सही जवाब क्या है गाइज, इसका जो राइट आंसर हम आपको बता दें वो है सी नंबर, इनोप्लस। अब कैसे देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे ये भिन्न है। आपने स्केलमेंथीज में पढ़ा, दो क्लास पढ़ा, एक ए फैजमीडिया और दूसरा फैजमीडिया, ए फैजमीडिया और फैजमीडिया, ए फैजमीडिया और दूसरा फैजमीडिया, फैजमीडिया ये आपने पढ़ा है गाइज, दो क्लास पढ़ा है, एक क्लास ये और एक क्लास वो। तो मैं आपको बता दूं इसमें से जो 8 का सी नंबर है ये एफ हैज मीडिया का, इनो प्लस जो है एफ हैज मीडिया का है, बाकी ये तीनों किसमें शामिल किए गए हैं, फैज मीडियम शामिल किए गए हैं, इसलिए ये अलग है, ये तीनों जो है फैज मीडियम है, ये फैज मीडियम में, इसलिए ये क्या है अलग है गाइस, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मेडियंसिस इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाई, ये ड्रैकनकुलस मेडियंसिस जो संचरित होता है मैन में किसके द्वारा होता है गाइज, कह रहा है मॉस्किटो के द्वारा, क्रस्टेशिया के द्वारा, कह रहा है फ्लाई के द्वारा, इन्फेक्टेड साइक्लोप्स के द्वारा, किसके द्वारा ये संचरित होता है। तो 9 का सही जवाब क्या है, तो 9 का सही जवाब मैं आपको बता दूं डी नंबर है, कौन सा है डी नंबर है इन्फेक्टेड साइक्लोस्कोप्स, ठीक है। 10 नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैव नो इंटरमीडिएट होस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैव नो इंटरमीडिएट होस्ट, इस निम्नलिखित में से किसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, मध्य पोषदी इसमें नहीं होता है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है गाइज, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है टेपवर्म में नहीं होता है, स्केरिस अर्थात राउंड वर्म में, कह रहा है लीवर फ्लू, कह रहा है मलेरिया पैरासाइट। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बी नंबर, बी इसका राइट आंसर है, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, यह टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन आ चुका है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओरल इन्फेक्शन ऑकर्स इन, ओरल इन्फेक्शन किसमें पाया जाता है, कह रहा है मलेरियल, मलेरिया है कि फाइलेरिया है, कह रहा है एस्केरियसिस है कि नन ऑफ दीज, बताइए इसमें से कौन इसका सही जवाब है 11 नंबर का। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर है गाइस बताइए बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है एस्केरियसिस, कौन सा है एस्केरियसिस। 12 नंबर पे चलते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है द एनिमल दैट नेवर परफॉर्म्स लोकोमोशन, इसमें से कौन चारों में से चारों एनिमल में से कौन जो है लोकोमोशन नहीं करता है, कह रहा है स्केरिस नहीं करता है, कह रहा है ल्यूकोसोलोनिया नहीं करता है कि हाइड्रा नहीं करता है कि बोथ, बताइए इसमें से कौन लोकोमोशन नहीं करता। तो आप जानते हैं कौन लोकोमोशन नहीं करता, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, बॉडी के थ्रू चिपक जाता है गाइस, तो है कौन सा एस्केरिस है, कौन है एस्केरिस है, 12 का ए नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द टर्म निमेटोडा वाज क्वाइंड बाई, टर्म निमेटोडा किसने दिया, ठीक है टर्म निमेटोडा वाज क्वाइंड बाई, कह रहा है गेगनबार, कह रहा है कि ग्रोबेन, कह रहा है रुडोल्फी, कह रहा है यहाँ लैमार्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं इसका अगर आंसर आप ढूंढेंगे गाइस, अगर इसका आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको इंटरनेट पर रुडोल्फी मिल जाएगा, इंटरनेट कोई ऑथेंटिक जो है प्रूफ नहीं होता है, लेकिन इसका जवाब क्या है गेगन बार, गेगन बार इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर 14 नंबर कह रहा है विच इज पैरासाइट ऑफ मैन, कौन जो है मैन में पैरासाइट है, ठीक है परजीवी, कह रहा हुक वर्म है, कह रहा पिन वर्म है, आई वर्म है कि वीप वर्म है कि आल, बताइए कौन जो है मैन का पैरासाइट है। 14 नंबर का जो आंसर होगा वह क्या होगा, तो इस 14 नंबर का आंसर बताइए फटाफट के अंदाज में क्या होगा, इसका आंसर है आल, ई नंबर आल, सभी जो है पैरासाइट है मैन में। 15 नंबर में कह रहा है द वर्ड एस्केलमेंथीज वाज प्रपोज्ड बाय, एस्केलमेंथीज
जो शब्द है किसने प्रतिपादित किया, किसने, कह रहा है गेगनबार, कह रहा है रुडेल्फी, कह रहा है ग्रोबेन, कह रहा है लैमार्क। तो इसका जो सही जवाब है क्या है, 15 नंबर का गाइस, तो 15 का सही जवाब है ग्रोबेन। ठीक है, ग्रोबेन को देखिएगा, आप सोचेंगे यहां भी तो रुडेल्फी है, ऐसा नहीं, आप देख लीजिएगा इसको, इसका सही जवाब है बी नंबर 15 का। 16 नंबर पे चलते हैं, क्या आखिर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 16 नंबर का कह रहा है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिलती है, कह रहा है पोरीफेरा, कह रहा सिलेंट्रेटा है स्केलमेंथी, कह रहा प्लेटीहेलमेंथी। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अभी मैंने लेक्चर में आपको बताया, लैंगिक द्विरूपता अर्थात मेल अलग फीमेल अलग, तो किसमें होता है स्केलमेंथीज में। ठीक है, स्केलमेंथीज में, तो इसका सही जवाब क्या हो गया डी नंबर 16 का। 17 की बात करें तो 17 नंबर में देखिए कह रहा है फ्री लिविंग निमेटोड्स कौन है, इसमें से फ्री लिविंग निमेटोड्स कौन है, कह रहा है ट्राइक्यूरिस है, कह रहा है हाँ ट्राइकिनेला है, और यहाँ पर कह रहा है रेबडेटाइड है, रेबडाइट है, कह रहा है उचेर एरिया है। तो इसका सही जवाब क्या है 17 नंबर का देखिए क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है रेबडाइट, रेबडाइट इज द राइट आंसर, फ्री लिविंग निमेटोड्स है। 17 का कौन सा हो गया गाइज, सी नंबर हो गया 17 का। अब 18 की अगर बात करेगा इस, तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है 18 नंबर का, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है द आई वर्म ऑफ मैन, आई वर्म ऑफ मैन इज, किसे कहते हैं आई वर्म ऑफ मैन, मैन की आई वर्म किसे, कह रहा है उचेर एरिया को कहते हैं, ट्राइक्यूरिया को कहते हैं, कि नन की लोवा लोवा, बताइए। मैंने बताया था अभी ना कि उनकी आंखें लोवा लोवा हो गई भैया, तो इसकी इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए बिल्कुल फटाफट के अंदाज में, 18 का कौन सा इसका सही जवाब है, तो 18 का हो गया सी नंबर लोवा लोवा, लोवा लोवा इसका राइट आंसर हो गया गाइस। अब 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 19 नंबर कह रहा है कॉमनली नोन एज हुकवर्म, हुकवर्म किसे कहा जाता है गाइस, कॉमनली नोन एज हुकवर्म, हुकवर्म किसे कहा जाता है, कह रहा है एनसाइलोस्टोमा को कहा जाता है, कह रहा है निकाइटर को कहा जाता है, कि बोथ इनन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं जान रहा था कि इसमें फटाफट एक बार आंसर आएगा एनसाइलोस्टोमा, उसको एक बार पढ़िए समझिए इसका सही जवाब क्या है, बोथ एनसाइलोस्टोमा और निकाइटर दोनों, इनको कहा जाता है हुक वर्म कहा जाता है गाइस। ठीक है, 19 का क्या हो गया सी नंबर हो गया। 20 नंबर में चलते हैं कि आखिर 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं 20 नंबर। अब यहाँ 20 में कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ये हम मैच कराना है, इनमें से मैच कराना है गाइस। ठीक है, तो मैच कराना है तो बताइए, देखिए राउंड वर्म किसे कहते हैं, स्कैरिस को कहते हैं गाइस, एस्कैरिस को राउंड वर्म कहते हैं। अब उचेर एरिया को, उचेर एरिया बैंकक्रॉफ्टी फाइलेरिया वर्म है गाइस। ठीक है, ये फाइलेरिया वर्म हो गया, और अंकल की क्या हुक मैंने बताया था एनसाइलोस्टोमा, अंकल का हुक वर्म ये है, हुक वर्म ये एनसाइलोस्टोमा, और आंटी को मैंने बताया था आंटी की क्या पिन, तो कहीं पिन है पिन वर्म, हाँ ये पिन वर्म है। अब एक बच्चा ट्राइक्यूरिस, तो इसका हो जाएगा क्या वीप वर्म गाइस, वीप वर्म। तो ये हो गया इसका सही जवाब क्या हो गया, ए ई कनेक्शन हो गया, एक ए का ई से, दूसरा कनेक्शन केस किसका हो गया बी का हो गया, किससे डी से हो गया, बी का डी से हो गया, और तीसरा हो गया सी का सी से, गाइड किससे हो गया सी का सी से, और डी का किससे हो गया, डी का देख लीजिए बी से है, डी का बी से है, और ई का ए से है, ई का ए से है, ए कनेक्शन है गाइस। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो गाइस हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहते हैं, अब थोड़ा सा मैं बदलाव करने वाला हूँ अपने इस क्लास में, कि दोपहर में मैं आपके लिए थ्योरी की क्लास लाने वाला हूँ, हर दिन जो है आपका दोपहर में 11 बजे थ्योरी की क्लास होगी, फिर उसी थ्योरी की क्लास का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन शामिल कर सकूं, नीट के भी क्वेश्चन शामिल कर सकूं, और ऐसे भी क्वेश्चन शामिल करूं, तो आपका ये शाम को जो है 9 बजे केवल प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो गाइज ये आप सबके लिए कैसा रहेगा, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइज आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर नए दिन नए ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।